हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 41 फोर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है। इंग्लिश मीडियम में इसको डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट आपकी 7 अक्टूबर 2020 के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से बेटा शेड्यूल्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 कंटिन्यू है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो इस वर्कशीट में एक तरह से आप जो है यहाँ पे एक टॉपिक नया सीखोगे, साथ में कुछ जो है इसमें उस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीड टिल नाउ दैट कार्बन एटम कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। तो बेटा हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बन एटम है वो जो है चेन जो है कितनी भी लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, तो ये चेन जो है ब्रांच भी हो सकती है, ये हम पढ़ चुके हैं। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दीज कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं वो, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का, इसके अंदर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो जो है क्या किए जा सकते हैं, वो यहाँ से रिप्लेस किए जा सकते हैं बाय एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर इसके साथ लगता है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। मान लीजिए जो है अल्कोहल को हमें यहाँ पे जो है जोड़ना है तो क्या होगा, CH3 क्या होगा, OH, एक हाइड्रोजन कम हो गया और OH जो है ये लग गया अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप जो चेन के साथ अटैच हो गया, CH3OH या C2H5OH, ये देखिए अब जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये अल्कोहल डिसाइड कर रहा है यहाँ पे, इस वाले कंपाउंड की भी और इस वाले कंपाउंड की भी। ये मैटर ही नहीं करता कि चेन कितनी लंबी है, ये एक कार्बन की चेन है, ये दो कार्बन की चेन है, चाहे चार कार्बन की चेन हो या पांच की हो, जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो ये अल्कोहल ही डिसाइड करने वाला है। ठीक है, ये मतलब है इस लाइन का। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड C4H9OH आर वेरी वेरी सिमिलर। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज वो सभी क्या होंगी बेटा, सेम रहेंगी। मैंने अभी आपको बताया कि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज को अल्कोहल जो ग्रुप है वो डिसाइड कर रहा है। सो सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। तो बेटा जो ये सीरीज होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, हाइड्रोजन जो है कार्बन चेन से हाइड्रोजन को एक ही फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करता है और एक सीरीज बन जाती है। सीरीज कैसे, देखिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, तो ये किसकी सीरीज है, ये इस अल्कोहल की सीरीज बन गई है। तो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब क्या है, सेम, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा सब में सेम होगा, दैट विल बी नोन एज होमोलोगस सीरीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ यू लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड्स CH4 C2H6, दीज डिफर बाय CH2 यूनिट एंड C2H6 एंड C3H8, दे डिफर बाय CH2 यूनिट। देखिए बेटे, फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे मिथेन, उसके बाद हमने क्या लिखा, इथेन, उसके बाद हम लिख रहे हैं C3H8 प्रोपेन, उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे C4H10, ठीक है, ब्यूटेन। तो अब देखिए यहाँ पे किसका डिफरेंस लग रहा है आपको, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, यहाँ हाइड्रोजन चार है, यहाँ हाइड्रोजन सिक्स है, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, C2 है, C3 है, एक कार्बन का डिफरेंस, H6 है, H8 है, दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो बेटा हर एक जो कंपाउंड है यहाँ पे उसमें जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो कौन सी यूनिट का है, CH2 यूनिट का है हर बार। यानी आप कह सकते हो कि हर एक जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। अब CH2 यूनिट का मतलब देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन 2 लगी है तो 2 कितना हो गया टोटल, 14 यू। यानी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर हैं
उनके बीच में जो डिफरेंस होगा एटॉमिक मास का वो कितना होगा, 14 U जो है डिफरेंस रहेगा। ओके ट्राई टू आंसर, अब आपको ये आंसर करने हैं, अगर आपको समझ आ गया है तो देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ऑब्वियसली बेटा अभी हमने डिस्कस किया C3 और C4 एक कार्बन और H8 और H10 दो हाइड्रोजन, तो कितने का डिफरेंस हुआ यहाँ पे, CH2 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस हुआ। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रोपेन एंड ब्यूटेन एज CH2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन दीज पेयर्स, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 U एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने निकाला क्या डिफरेंस है, 14 U का डिफरेंस है बेटा, कितने का डिफरेंस होगा 14 U का, ठीक है, क्योंकि CH2 का डिफरेंस है CH2 यूनिट का, तो कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 2 हो गया 14 U का डिफरेंस। तो ये आप आंसर लिख दीजिए, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट जो है आप कर लेते हैं, सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन्स। अब देखिए बेटा हमें लेनी है होमोलोगस सीरीज किसके लिए, एल्कीन्स के लिए। फर्स्ट मेंबर क्या है, इथीन है, तो देखिए इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो हम जनरल फार्मूला लेते हैं एल्कीन्स का। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, याद कीजिए लास्ट हमने वर्कशीट में किया था CnH2n। एल्कीन्स का बताइए जल्दी से, या CnH2n+2, CnH2n एल्कीन्स के लिए, CnH2n-2 एल्काइन्स के लिए। चलिए अब देखिए इसका फर्स्ट मेंबर मैंने आपको बताया था, एल्कीन और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर जो है 2 कार्बन से शुरू होगा, सेकेंड उसमें हम कार्बन का जो नंबर है वो 2 रखेंगे फर्स्ट मेंबर के लिए। तो फर्स्ट मेंबर क्या है इसमें, C2H4, आप इसमें पुट कर दीजिए C2H4 आएगा। उसके बाद फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन हो गया। अब फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन, हमने लिख दिया C2H4। द सक्सीडिंग मेंबर हैव द फॉर्मूला C3H6, C4H8 एंड C5H10, उससे अगला बिल्कुल C3H6 होगा, उससे नेक्स्ट जो है क्या होगा C4H8 होगा, और उससे नेक्स्ट क्या होगा C5H10। तो देखिए इनमें जो डिफरेंस होगा फर्स्ट और सेकंड में, तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, CH2 का है, नेक्स्ट में फिर से CH2 का डिफरेंस है, और नेक्स्ट में फिर से किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ओके सो आप लिखेंगे यस दे ऑल्सो डिफर बाय अ CH2 यूनिट, यही तो पूछा गया है आपसे, डू दीज ऑल्सो डिफर बाय CH2 यूनिट, यस दे दीज ऑल्सो डिफर बाय अ CH2 यूनिट। नेक्स्ट क्या है, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड्स, तो क्या रिलेशन है, रिलेशन किसके बीच बताना है आपको, बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड्स, यस द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन ईच कंपाउंड इज CH2, तो डिफरेंस किसका है बेटा, CH2 का डिफरेंस है, यही रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए, द जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन्स कैन बी रिटन एज CnH2n, ठीक है जनरल फार्मूला हम यही लिखते हैं। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स एंड एल्काइन्स, तो आपको ये फार्मूला लिखना है। तो देखिए एल्केन्स के लिए फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, मैंने अभी आपको बताया, एल्कीन्स का आपको पता है CnH2n, और एल्काइन्स के लिए क्या होगा CnH2n-2, तो ये तीनों फार्मूले आप लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, अब प्रॉपर्टीज जो है आपको बतानी है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या रहेंगी होमोलोगस सीरीज की, सेम रहेंगी। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन, तो बच्चों मोलिकुलर मास जो है वो लगातार इंक्रीज होता है, जैसे CH4 है उसके बाद C2H6 है, तो इसका मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास, ये क्या है दोनों जो है क्या रहेंगे, इनका जो मोलिकुलर मास है C2H6 का ज़्यादा होगा CH4 के कंपैरिजन में, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ इसी तरह का एक आप कह सकते हो इनमें ग्रेडेशन होगा। अब देखिए दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज मोलिकुलर मास, तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है कंपाउंड का, वैसे वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सॉलिबिलिटी इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो ए सिमिलर ग्रेडेशन, तो जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी है वो भी उसी तरह से जो है चेंज होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्या है, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन होमोलोगस सीरीज,
लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक फंक्शनल ग्रुप के, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो उनकी क्या रहेंगी, एक होमोलोगस सीरीज में सेम रहेंगी। ओके तो यानी होमोलोगस सीरीज यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज तो होंगी लेकिन एक लयबद्ध तरीके से, आप कह सकते हो ना कि जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वो जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे घट रहा है कहीं पे बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों नॉमनक्लेचर जो ज़्यादा डिटेल है वो आपके सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो द नेम ऑफ ए कंपाउंड इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन। तो बच्चों नॉमनक्लेचर क्या होता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जैसे CH4 है, इसको हमने जो नाम दिया है मिथेन, वो मिथेन नाम हमने इसको कैसे दिया है, तो ये क्या कहलाता है, नॉमनक्लेचर कहलाता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक चेन। बेसिक चेन क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो है बेसिक चेन। ओके सो और बेसिक चेन में फिर हम क्या यूज़ करते हैं, उसको हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ग्रुप दिए गए हैं, उसके अंदर हम सफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम सफिक्स का यूज़ करेंगे, जैसे एल्कोहल, मिथेनॉल, मिथेनल, मिथेनॉइक एसिड, इस तरह से। आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, डिपेंड करेगा नेचर कैसा है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन तो हम जो है एज ए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे अल्कोहल है तो हम एज ए सफिक्स यूज़ करते हैं। तो बेटा ये सारे रूल्स हैं, ठीक है, जो आप बहुत डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको अपनी बुक जो है वो कंसल्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पर इतना डिटेल नहीं है और इस साल इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुछ ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब देखिए अल्कोहल, अल्कोहल जो है यहाँ पर क्या है, अल्कोहल के लिए हम क्या कर रहे हैं, मिथेनॉल। मिथेनॉल यानी हम कैसे नाम देंगे मिथेनॉल को, मिथ का मतलब क्या है, एक कार्बन, इथ मतलब दो कार्बन, प्रॉप मतलब तीन कार्बन, ब्यूट मतलब चार कार्बन। तो अब देखिए मिथ एन, तो एक कार्बन है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कि इसके अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो मिथेनॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3OH इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ओल है ना, तो मिथेनॉल। इसी तरह इथेनॉल होगा तो CH3CH2OH, ये क्या हो गया, ये इथेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल में तीन कार्बन हो जाएंगे, बिटेनॉल में चार कार्बन हो जाएंगे, बस ये चेन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका नाम रखते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी क्या होगा, मिथेनल। मिथेनल का फॉर्मूला क्या होगा, सी मिथेन, जो अल है, अल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप तो CHO होता है ना, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो क्या हो गया, HCHO। ये किसका फॉर्मूला है, मिथेनल। मिथ मतलब वन कार्बन, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और अल का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इथेनल का अगर हम बनाते हैं तो दो जो है कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा, मिथेन एन अल है ना, एन और अल, इसके साथ आप एल्डिहाइड ग्रुप लगाइए, वैलेंसी इसकी पूरी कर दीजिए, CH3CHO, ये क्या हो गया, ये जो है इथेनल हो गया। आप खुद से प्रोपेनल और ब्यूटेनल का बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिथेनोइक एसिड, मिथे का मतलब क्या है, एक कार्बन, इसके साथ ग्रुप है ओइक, ओइक का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या हो गया, इसके लिए ओइक एसिड के लिए जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने लगा दिया, इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, एक दो तीन, एक हाइड्रोजन और लगेगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, HCOOH, ये बन गया ना फॉर्मूला, तो ये क्या है, मिथेनोइक। इथ होगा तो यहाँ पे दो, एक कार्बन और जुड़ जाएगा इसके साथ है ना, हाइड्रोजन इसके साथ कार्बन जुड़ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ये हो गया इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे, क्योंकि ये ओइक एसिड अब क्या है, ये हम सफिक्स की तरह ले रहे हैं, यहाँ पे पीछे नाम में लिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, सफिक्स है। चलिए तो आप बच्चे, आप जो है बाकी जो बच्चे हैं ना, इनके खुद से ट्राई कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज। तो बच्चों डिफाइन करना है होमोलोगस सीरीज को, अभी हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे की थी, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ होमोलोग ऑफ द C4H9OH। तो C4H9 का होमोलोग लिखना है, हम जो है इसका आगे वाला लिख देते हैं C4H9OH, इसका होमोलोग नेक्स्ट क्या होगा, C5H11OH, तो ये हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का, तो
कौन सी यूनिट का डिफरेंस है, सी एच टू यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी 14U का डिफरेंस है। ओके तो ये इसका जो है होमोलॉग हो गया। अब इसका फॉर्मूला और लिखना है, आपसे पूछा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो चलिए इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम C5H11OH का। तो यहाँ पे बनाते हैं C5H11OH। सबसे पहले क्या करेंगे, पांच कार्बन, 2, 3, 4, 5 OH ग्रुप लगा दीजिए। अब बाकी जो इसकी वैलेंसी है उसको कैसे पूरा करेंगे, उसको पूरा करेंगे हाइड्रोजन से। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा, यहाँ हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन लगा के बाकी जो वैलेंसी है वो पूरी कर देंगे आप। अब हाइड्रोजन काउंट करिए, क्या 11 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल कितनी हो गई, 11। तो फॉर्मूला हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला C5H10OH। इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या है होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का, ठीक है, ये है CnH2n। तो ये किसका है CnH2n, CnH2n है एल्कीन का, हमने पहले भी किया है। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज। तो n की वैल्यू कितनी रखनी है, थर्ड मेंबर पूछ रहा है ना, तो n की वैल्यू 3 रखनी है, तो वो क्या हो गया C3H6, ठीक है। और n की वैल्यू 4 रखनी है, तो फोर्थ मेंबर निकालना है, तो C4 इसमें पुट करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा ना, C4H8, ये हो गया फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।